हेलो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में बोला गया कि ये डाइपोल है, इसका डाइपोल मोमेंट कितना है, पी वेक्टर है। और मैं मानता हूँ कि ये माइनस चार्ज है डाइपोल का, ये प्लस चार्ज है, ठीक है। तो इनके कारण इसका डाइपोल मोमेंट जो बनेगा वो नेगेटिव टू पॉजिटिव बनेगा, ये मान लेते हैं इसका डाइपोल मोमेंट पी वेक्टर आ गया, ठीक है। इज लोकेटेड एट डिस्टेंस आर फ्रॉम द लॉन्ग लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन चार्ज यूनिफॉर्मली विद ए लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा। तो यहाँ से इसके पैरेलल, एक पैरेलल इसके क्या है, यूनिफॉर्मली चार्ज वायर है जिसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा है, और इनके बीच में गैप कितना है, आर है। तो पूछा गया है कि इस पर जो फोर्स लगेगा वो कितना होगा, तो हम कहेंगे इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो कितना आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा 2k λr, 2k λr। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण इस चार्ज पे जो फोर्स लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर है, इधर है, ई की डायरेक्शन इधर है, तो फोर्स किधर लग जाएगा, इस पे इस डायरेक्शन में लग जाएगा, कितना लगेगा, क्यू इंटू ई लगेगा, क्यों मैग्नीट्यूड क्यू है और इलेक्ट्रिक फील्ड ई है। तो बस इस पॉजिटिव चार्ज में इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, वो कितना लगेगा, वो भी क्यू ई लगेगा। तो डाइपोल पे नेट फोर्स कितना आ गया, जीरो आ गया। थैंक यू।